जम्मू कश्मीर के पुलवामा हमले की पहली बरसी पर ऊना के एमसी पार्क में स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डीसी ऊना संदीप कुमार, एसपी ऊना कार्तिकेयन, गोकुल चंद्रन, भूतपूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों ने शहीद स्मारक पर पुष्प अर्पित करके शहीदों को याद किया। इस दौरान डीसी संदीप कुमार और एसपी कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने कहा कि देश हमेशा ही शहीदों का ऋणी रहेगा। उन्होंने कहा कि देश के लिए अपने प्राण न्योछावर करने वाले जवानों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए और उनका मान सम्मान करना चाहिए। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के जवानों से भरी बस पर हमला कर दिया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को याद करने और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एमसी पार्क स्थित शहीद स्मारक पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान डीसी ऊना संदीप कुमार, एसपी ऊना कार्तिकेयन, गोकुल चंद्रन के अलावा प्रशासनिक अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों ने शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि भेंट कर शहीदों को याद किया। डीसी ऊना संदीप कुमार और एसपी ऊना कार्तिकेयन गोकुल चंद्रन ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वीर जवानों की बदौलत ही हम देश में सुरक्षित महसूस करते हैं। उन्होंने कहा कि देश सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर जवानों को हमें सदा याद रखना चाहिए। पिछले वर्ष हम सभी जानते हैं कि भारतवर्ष में पुलवामा में एक आतंकी दुर्घटना में 40 सीआरपीएफ के जवान जो हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। इस आतंकी दुर्घटना में निहत्थे जवानों को जो है वो शहीद कर दिया गया था। इसमें कुल 40 जवान जो है वो शहीद हुए थे। हिमाचल प्रदेश से भी जिला कांगड़ा का ज्वाली का एक जवान जो है वो उसमें शहीद हुआ था। तो आज उन्हीं की स्मृति में हमने यहाँ पर पुष्पांजलि जो है उन शहीदों को याद करते हुए दी है। मैं समझता हूँ कि उन देशभक्तों का जो है वो हमेशा हमें मान सम्मान करना चाहिए और उन्हें याद करते रहना चाहिए। हमारे देश में पिछले साल पुलवामा की एक बड़ी दुर्घटना हुई, तो इसमें सीआरपीएफ के जवान काफ़ी लोग शहीद हुए। तो इस चीज़ को हमें भूलना नहीं चाहिए, उनकी सैक्रिफाइस जो है हमें भूलना नहीं चाहिए। और टेररिज्म और एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ हमें ये लड़ाई लड़ते रहना चाहिए। और पूरी जनता से यही उम्मीद करूँगा कि पुलिस की तरफ से पूरा कोऑपरेशन रहेगा और पूरा हेल्प रहेगा इन चीज़ों में। तो हमारे देश के लिए और हमारे समाज के लिए हम सब एक साथ रहेंगे।